ऐसा भी था कि जब सफाई का काम छोड़कर रिंकू ने क्रिकेट का दामन थामा, उनकी माँ ने बेटे के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर उधार मांगा, वहीं उनके पिता ने बेटे के खातिर अपने अरमानों में माचिस लगा दी ताकि उनका बेटा लाइफ में कुछ कर जाए। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। नेताओं के जैसे आधा अधूरा काम मत करिए, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल को भी दबाइए। दोस्तों, इस पूरी सीरीज में गदर 3 मचाते हुए सारी तालियां अपने जसप्रीत बुमराह पाजी ने बटोर ली। पूरे महीने सिर्फ दो ही लोग सोशल मीडिया पर छाए रहे, पहले लप्पूसा सचिन वाली आंटी और दूसरे अपने बुमराह पाजी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। दोस्तों, आज यानी कि संडे को इंडिया वर्सेस आयरलैंड का दूसरा मैच है और आज के इस मैच में हमारी खास नजर हमारे सबके लाडले रिंकू सिंह पर रहेगी। क्या बात है। दोस्तों, पिछले मैच में बारिश की वजह से रिंकू भैया की बैटिंग नहीं आ पाई, मगर आज ऐसा नहीं हो। दोस्तों, एक वक्त ऐसा भी था कि जब सफाई का काम छोड़कर रिंकू ने क्रिकेट का दामन थामा, उनकी माँ ने बेटे के लिए लोगों के सामने हाथ फैलाकर उधार मांगा, वहीं उनके पिता ने बेटे के खातिर अपने अरमानों में माचिस लगा दी ताकि उनका बेटा लाइफ में कुछ कर जाए, जिसकी वजह से आज द रिंकू सिंह भड़कता शोला जो आग में तपकर बाहर निकला है। दोस्तों, रिंकू सिंह एकमात्र इंटरनेशनल खिलाड़ी है जो अलीगढ़ से बाहर निकले। जिस रिंकू सिंह के पास पैसे की तंगी थी, वही रिंकू सिंह करोड़ों का जवाब बनकर केबीसी में आ चुके हैं। शायद अगला नंबर उन पर आने वाली फिल्म का होगा। वही बात करें आज के मैच की, तो मैं पर्सनली चाहता हूं कि आज के मैच में आयरलैंड वाले पहले बॉलिंग ले लें, क्योंकि अगर इंडिया की बॉलिंग पहले आई तो बुमराह पाजी के सामने आयरलैंड वाले ज्यादा रन नहीं बना पाए और हमारा संडे खराब हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन सबसे अच्छी बैटिंग करेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो काम का लगा हो तो इसे अपनों के साथ शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।